हेलो, हे देयर, हाउ आर यू ऑल। देख रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं हमारे वीडियो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर जो 18 नंबर के आने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर जो 12 नंबर के आने हैं, ग्रामर पर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल निकाल के आपको दिए हैं। आज एनालिटिकल के दे रहे हैं, 40 का ये हो गया, 5 के ये, 45 नंबर का पूरा हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक रख दिए गए हैं। आज आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं ये आप रीड कर सकते हैं स्टेटमेंट को, कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप। इस तरह का डेटा आपको है ना दिया जाएगा, यहाँ पर बार ग्राफ आपको दिया गया है जो क्या दिखा रहा है। आपने सिर्फ, ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिससे आप बच नहीं सकते, आपने करना ही करना है, ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। आपकी चेकिंग होने वाली है वोकेबुलरी की, कि कैसे आप दिए गए बार ग्राफ में ऐसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेंड जो उसमें दिखाई जा रहे हैं, कुछ डाउन जा रहा है ना, कुछ अप जा रहा है, क्वांटिटीज हैं, रिलेशनशिप हैं, तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन दिखाई गई है एक स्कूल में, कि जो प्ले करते हैं वॉलीबॉल है ना, और 6 ईयर्स का स्पैन है यहाँ पर 2014 टू 2019 वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का। तो यहाँ पर आपने देखा, आंसर भी हम देंगे आपको, कि एक तो ध्यान रखना है कि टेंस वही रहेगा जो आपने एक बार पकड़ा, और पैसिव फॉर्म में आप लिखेंगे, और फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 3 नंबर अगर आपके कंटेंट के हैं, 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन का है, तो 1 नंबर आपका फॉर्मेट का भी है। फॉर्मेट में आपने क्या करना है, हेडिंग दे देना है, इंट्रो में इंट्रो देना है, इंट्रो में टॉपिक सेंटेंस जरूर लिखना है कि ये बार ग्राफ क्या बता रहा है। उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे है ना बॉडी पर आते हुए, कि किस तरह का ट्रेंड है इसके अंदर, ट्रांजिशन हो रही हैं जो है ना, ऊपर नीचे जो हो रहा है उसको आपने पहचानना है। ठीक है, कौन स्टेगनेट रहा है, कौन सिमिलर रिजल्ट दे रहा है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रही है, कौन सी जो है हाइट पर जा रही है, कब हाइट पर गई, कब वो डिक्लाइन पर आ गई, फिर से वो कब उठी है ना, डाउनवर्ड कब हुई, इस तरह कंक्लूड भी आपने कर देना है। तो आप रीड कर पा रहे हैं यहां पर, अगर हम देखें क्वेश्चन के मुताबिक तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट जो है वॉलीबॉल का आपने देखना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जरूर देनी होती है, तो हाईएस्ट 2016 में वॉलीबॉल आप देख पा रहे हैं, वेयर एज लिखिए आप यहाँ पर, और स्मॉलेस्ट नंबर 2019 में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और हाइक अगेन इन 2018 जो डबल हो गया, और कॉन्स्टेंट रहा है बास्केटबॉल को देखें, 2014 में जितना था 17 में और 18 में बराबर रहा, ये क्या हुआ। ठीक है, हाइट देखें, डिक्लाइन बहुत बास्केटबॉल 2016 में जो अप गई, 2019 में डाउन आ गई। तो इस तरह से आपने है ना क्रिटिकली जो है एनालाइज करना है गिवन डेटा को। बार ग्राफ आपको दिया जा रहा है, कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई सर्वे रिपोर्ट हो सकती है आपकी। ठीक है, फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइडिया जो डिपिक्ट किया गया है डेटा के अंदर उसी पर रहना है। बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि वहां पर अपनी ओपिनियन देने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेबोरेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने स्टिक टू द डेटा ही रहना है, टॉपिक पर जो है स्टिक रहना है, ऑन माइंड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 5/5 आपके पक्का आएंगे। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी रहेगा, देखना आप। ये अपने आप में क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी दिया होगा, बस आपने उसको एक ना है ना उसमें बना देना है कि मैं इस बेस पर ये कह सकती हूँ, मैं इस बेस पर ये कह सकता हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है गिवन डाटा। ठीक है ना, हालांकि ओपिनियन अपनी नहीं देनी है, वी कैन से, ठीक है ना, कैन बी सीन से आप पैसिव वाइज ही रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।